व्यू देखेंगे, व्यू एंजॉय करेंगे। अभी मुझे वो जो सामने आपको पुल दिख रहा है ना, उस पुल पे जाना है। देखने आई हूँ कितना सुंदर है ये राउंड सर्कल। उसके आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, साथ में उसको पास से देखते हैं। वाटर बाइक, वाटर एक्टिविटी करना चाहते हो तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। मरीना वॉक, ऐसे काफी लंबा पुल बना हुआ है जिसके ऊपर आप चल के और खूबसूरती का नजारा ले सकते हो। इसीलिए इसको ब्लू वाटर कहा जाता है। देखिए ब्लू वाटर है एकदम से। धूप भी काफी तेज है और हवा चल रही है। इन दिनों में काफी अच्छा मौसम होता है दिसंबर में दुबई में। मई और जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कहते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, इतनी गर्मी होती है। लेकिन इन दिनों में बहुत अच्छा मौसम होता है, इन दिनों में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। देखिए सामने आप दूर से देखिए वाटर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, चालू हुई हैं। देखिए बहुत सारी कंट्री से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड है इसके ऊपर, बीच के ऊपर। आगे बढ़ते हैं अभी। पे आप अपनी फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, ये फोटोज़ के लिए स्पेशल। मुझे ऐसे लगे जैसे ये पुल हिल रहा है, मतलब चल रहा है, लेकिन मुझे वहम हुआ ऐसे लगता। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। नीचे भी कुछ बना हुआ है नीचे जाने के लिए, मुझे लगता नहीं जो जैसे वाटर बाइक में बैठना है या आपने स्पीड बोर्ड में बैठना है तो उसके लिए है शायद वो बना हुआ है, जो नीचे आप देख सकते हो ना पुल। सामने सनसेट तो नहीं कह सकते, नीचे आ रहा है सन, थोड़ा अच्छा लग रहा है वो, उसकी लाइट जो है पूरी समंदर के बीच में गिर रही है, पड़ रही है तो बड़ी अच्छी लग रही है। सन की लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वो जो इसके ऊपर ग्रिल के ऊपर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है और फोटो खराब हो जाती है। यहाँ से आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो, अभी कॉफ़ी ट्राई करती हूँ, हॉट कॉफ़ी। बाइक हैं, अगर आप यहाँ से बाइक भी बाय कर सकते हो और ये पूरा एरिया बाइक से भी घूम सकते हो, खा सकते हो। बहुत ही प्यारी जगह है ये, ज़्यादा पुरानी जगह नहीं है, नई जगह है, 2 साल पुरानी है। जगह है इसको ब्लू वाटर बोलते हैं, जो पीछे पुल से चल के आई हूँ नीचे से। ये राउंड अबाउट आप जब घूमते हो इसके तो उसको मरीना वॉक बोलते हैं। और अभी यहाँ पे ये जगह पे मैं घूम रही हूँ, इसको ब्लू वाटर बोलते हैं। नीचे चलते हैं, सामने आपको ब्लू वाटर दिखाते हैं। 6 बिल्डिंग्स हैं, वो जो साइड में उसको मरीना वॉक बोलते हैं। ऊपर से अब आते हो जब, किनारे किनारे चलते हैं। मुझे अभी तक हॉट कॉफ़ी नहीं मिली है, यहाँ पे सारे कोल्ड ड्रिंक्स ही हैं, चाय तो यहाँ पे कम ही मिलती है।
चाय मिलती तो फिर तो मैं गटक जाती। यहाँ इस एरिया में चाय नहीं मिलती है शायद। अटलांटिस गई थी और वहाँ पे एक्वेरियम है और वाटर पार्क है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा महंगी थी, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पे फिर मैं बाहर बाहर से घूम के वापस आ गई क्योंकि बहुत महंगा था, बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद मैं वापस आ गई, फिर यहाँ पे आई हूँ। अभी मैं मरीना वॉक किया, फिर उसके बाद ब्लू वाटर आई हूँ। ब्लू आई सामने से वो फेरी व्हील, जो सामने बहुत बड़ा फेरी व्हील है उसको दूर से मैं कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। लगभग मैंने ब्लू वाटर भी और मरीना वॉक सब घूम लिया है। अभी यहाँ से देखिए फेरी व्हील बिल्कुल पास खड़ी हुई है उसके। अभी मेरा ब्लू वाटर बीच भी हो गया। ओ तो गुस्सा साइकिल भी रेंट बाय रेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स अभी मैं इस ब्लू वाटर पूरा मैंने घूम लिया मरीना वॉक और अभी मैं नीचे जा रही हूँ JBR बीच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मैं आ गई हूँ JBR बीच। अभी हम JBR बीच चलते हैं, JBR बीच और मरीना वॉक और ब्लू वाटर ये आपस में कनेक्टेड है। एक्चुअली नीचे रेत है और मैंने शूज़ पहने हुए हैं। बीच के किनारे जाना हो तो हमें चप्पल पहन के आना चाहिए, लेकिन मेरे पास चप्पल नहीं है, शूज़ ही पहन के आई हूँ मैं क्योंकि मुझे चलना बहुत पड़ता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं। बीच के साइड में जो रेत होती है उसमें बच्चे खेल रहे थे, जैसे हम भी घर बनाते हैं ना गिल्ली मिट्टी के साथ, वैसा कुछ कर रहे थे। मन तो मेरा भी कर रहा है कैमरा इधर फेंक दूं और खेलूं। और उसके मेरे पास बैग है, फ़ोन है और सब चीज़ों को कहाँ रखूँगी फिर मैं। वो सामने देखिए फेरी व्हील सामने दिख रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है यहाँ से, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करवाती हूँ। ये देखिए JBR बीच है और वो सामने आपको पुल दिख रहा होगा JBR, और वो सामने ब्लू वाटर का ब्लू वाटर, और ये आपस में कनेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा वॉकेबल है, आप चल के जा सकते हो इजीली। ये देखिए कितना प्यारा है ये, आई थिंक किसी बच्चे ने बनाया है, कितना अच्छा बनाया है। अभी दूसरी साइड जाना है पुल के।
के ऊपर से जाऊं, कैसे जाऊं? जंप। ये वाला बीच मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ पे क्राउड भी काफ़ी है और दिखने में भी सुंदर है। वहाँ वो थोड़ा कंजेस्टेड सा एरिया लगा मुझे। कहाँ से आए आप? जम्मू से। मैं भी इंडिया से ही हूँ, जम्मू में हम रहे हैं, काम किया जम्मू। अमृतसर। अमृतसर से। बाय। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे रेत में, देखिए। देखिए एक ही छोटा जूनियर। हाय। बच्चों ने देखो मेहनत करी हुई है। इंडियंस भी काफी हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं पानी में। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, ऐसे पानी में खेल रहे हैं, उनको डर भी नहीं लग रहा। देखो यहाँ से मिट्टी लेके जाता है फिर उधर फेंक देता है, पानी में जाके फेंक देता है। मिट्टी पकड़ता है, पानी आ जाता है, मिट्टी फिर गायब हो जाती है उसके हाथ में, फिर पकड़ता है। सुबह मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं ट्रैम में बैठी तो मुझे नहीं पता था कि उसका जो कार्ड होता है ना ट्रैम का, ट्रैम और जो मेट्रो है उसका कार्ड सेम होता है। और मैं ट्रैम में जब बैठी और मुझे नहीं पता था कि कार्ड बाहर ही मशीन के ऊपर टैप करना था, मैं ऐसे ही बैठ गई। हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन वहाँ भी मेरे पास एक लेडी बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि कार्ड टैप करना है कहाँ पे करना है, वो कहते हैं वो तो बाहर ही करना था नीचे से ही, और आपने नहीं किया। मैं कहती हूँ ओ, उसने मुझे बड़ा डरा दिया। फिर मुझे जब बाहर निकलते समय, फिर लोग बाहर निकलते समय भी इसको टैप कर रहे थे, तो मैंने बाहर निकलते समय टैप किया तो वो जो बैलेंस था जो मेरा जब मैं चढ़ी थी वो भी बीच में से कट गया, तो वो मुझे डरा रही थी। हाँ, उसमें ट्रैम में एक गोल्ड बॉक्स होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है किराया है वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। ये बीच भी काफ़ी बड़ा है, मैं तो थक गई हूँ रेत के ऊपर चल चल के, अभी मैं वहाँ से बाहर हो जाऊँगी। देखिए सामने पानी के अंदर एक्टिविटीज़ हैं, इधर से उधर खेल रहे हैं लोग, मुझे तो वो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फेरी व्हील बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। पानी की आवाज़ बहुत तेज आ रही है। खाना खाने के लिए झगड़ा हो रहा है, देखिए। देखिए वो डालते हैं कुछ खाना, चिप्स वगैरह, और वो उठा के ले जाते हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इंडिया के लिए आया मैं। अच्छा, काम करता हूं। अच्छा, आप काम करते हो यहाँ पे? आप सभी यहाँ पे काम करते हो? दो काम करते हैं, ये दो मेहमान घूमने आए हो, आप उनको घुमाने के लिए आए हो। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? तो यहाँ पे काम अच्छा है, मिल जाता है, सैलरी वगैरह अच्छी होती है? सही होती है, मतलब लोगों को आना चाहिए, यहाँ पे काम मिल जाता है। ओके। तो कहाँ से आप? पाकिस्तान से? पंजाब से। मैं भी पंजाब से हूँ लेकिन मैं इंडिया से हूँ। बाय बाय।
तो अभी मैंने JBR बीच भी अच्छे से घूम लिया है, मैंने खूब इंजॉय किया है। तो अभी मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ वापस होटल, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।